हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपके स्मार्टफोन पे ऑटोमेटिकली डाटा ऑफ हो जाता है और उस प्रॉब्लम का आप सॉल्व करना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ है और मैंने बहुत ढूंढ ढांड करने के बाद एक सोल्यूशन मिला है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको जानना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, बिना देरी की लेट गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आपको, अगर आपके स्मार्टफोन पे ऑटोमेटिकली डाटा ऑफ हो जाता है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सेटिंग पर जाके वो वाली ऑप्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। मैंने सेटिंग पर जाके बहुत ढूंढ ढांड की लेकिन मुझे वो वाली ऑप्शन नहीं मिली। यहाँ पर मैं आपको सर्च करके भी दिखाऊंगा, डाटा यूजेज, ठीक है, ये डाटा यूजेज वाली ऑप्शन आपको सेटिंग पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मैंने बहुत ढूंढ ढांड करने के बाद मुझे बिल्कुल भी नहीं मिली, और ये मुझे कहाँ मिली है मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपके स्मार्टफोन वीवो या फिर ओप्पो है तो आपको मिल सकती है, आप एक बार ट्राई कर ज़रूर देखना। तो ये वाली ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगी, आपको नोटिफिकेशन बार को ओपन करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन बार ओपन करी, आपको यहाँ पर एक डाटा की ऑप्शन मिल जाएगी, ठीक है। सिंपली आपने कितने डाटा यूज़ किए है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की ऑप्शन देखने को मिलेगी, जो कि आपको सेटिंग पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है गाइस, तो आपको यहाँ पर करना है, यहाँ पर सेट डाटा यूजर्स लिमिट की ऑप्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ पर व्हेन डाटा प्लान इज यूज अप की ऑप्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो सिंपली आपको ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगी दो ऑप्शन। तो इस दो ऑप्शन का मतलब क्या है मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहली वाली ऑप्शन है शो वार्निंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये वाली ऑप्शन पर सेलेक्ट करके रखती हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। आपको सिर्फ एक वार्निंग मिलेगी कि आपने कितने डाटा को यूज़ कर चुका है, 50% या फिर 90% आपको वार्निंग देखने को मिल जाएगी। तो दूसरी ऑप्शन क्या है, दूसरी ऑप्शन पर जैसे आप सेलेक्ट करके रखते हो, ठीक है, तो आपको क्या होगा, यहाँ से अगर आप 50% या फिर 90% डाटा यूज़ करते हो तो आपकी डाटा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, ठीक है। मैंने ट्राई भी करके ज़रूर दिखाया है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर शो वार्निंग पर क्लिक करके रखना है, ठीक है। आपको ये वाली ऑप्शन पर सेलेक्ट करके रखना है और उसके बाद सिंपली आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या फिर अगर आपके ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो आपके एरिया की नेटवर्क एवरेज चेक करना है, स्लो है या फिर हाई है, ठीक है। कभी कभी एरिया की नेटवर्क एवरेज स्लो होने के बाद ऑटोमेटिकली डाटा भी ऑफ हो सकता है, तो यही आप कर सकते हो। तो गाइस, कैसे लगी वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।